हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे जालौर के कानरदेव सोनीग्रा का इतिहास। सन 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। वह संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। 1301 में उसने रणथंभौर के हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया। इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और 1305 में उसने मालवा पर आक्रमण किया। इसके समकालीन जालौर का शासक कानरदेव सोनीग्रा था। जब 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, तब उसने कानरदेव से अपनी सेना को जालौर होते हुए गुजरात में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी, परंतु कानरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया। तब उसने अपनी सेना को मेवाड़ होते हुए गुजरात में प्रवेश दिलवाया और उसने गुजरात को बहुत बुरी तरह से लूटा और सोमनाथ मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियों को ले जाने लगा। तब उसकी सेना जालौर होते हुए दिल्ली की तरफ जाने लगी। तब कानरदेव सोनग्रा के दो सेनापति जेता और देवड़ा ने शाही सेना पर हमला कर दिया और शिव जी की प्रतिमा को उनसे छीन लिया। तब उलुग खान भागकर अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात सुनी, तब उसने 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालौर पर आक्रमण किया। तब ऐन उल मुल्क ने कानरदेव को संधि के लिए मना लिया और कानरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु कुछ समय बस बाद में उन दोनों के मित्रता के मध्य विवाद होने लगे। इसके दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, फरिश्ता बताता है कि जब सुल्तान ने अपने दरबार में यह कहा कि अब हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं जो मुझे सैन्य चुनौती दे सके, तब कानरदेव सोनीग्रा गुस्सा हो गया और उसने सुल्तान को युद्ध करने की चुनौती दे डाली। और दूसरा कारण, मुनोद नैन्सी में बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री फिरोजा कानरदेव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करने लगती है। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्री को बहुत समझाता है, परंतु वह ना नहीं मानती है। तब अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव को फिरोजा से शादी करने का प्रस्ताव देता है, परंतु वीरमदेव एक मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों में से कारण कोई भी रहा हो, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी तैयारी के साथ जालौर पर आक्रमण किया। उसने सन 1308 में अपने एक सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालौर पर चढ़ाई करने के लिए सेना भेजी। कमालुद्दीन गुर्ग ने सर्वप्रथम जालौर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले शिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय वहां का सेनापति शीतलदेव चौहान था। इस युद्ध में शीतलदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी के नेतृत्व में सभी रानियों ने जौहर कर दिया। इसके पश्चात मलकाना नामक एक स्थान पे कानरदेव के भाई मालदेव ने शाही सेना पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, तब अलाउद्दीन खिलजी ने सेना लेकर जालौर पर चढ़ाई कर दी। उसने कमालुद्दीन के नेतृत्व में जालौर दुर्ग की घेराबंदी कर दी और उस पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। परंतु जब लंबे समय तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, तब उसने कूटनीति का सहारा लेने की कोशिश करी। उसने कानरदेव के एक सेनापति दैया बीका को अपनी ओर मिला लिया और दैया बीका ने सारे राज अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए। जब दैया बीका रात्रि में अपनी पत्नी के पास गया और उसने जब ये बात अपनी पत्नी को बताई, तब उसकी पत्नी ने रात में सोते वक्त दैया बीका की हत्या कर दी और भागकर सारी बात कानरदेव को बता दी। परंतु उस समय बहुत देरी हो चुकी थी। तब अलाउद्दीन की सेना ने जालौर दुर्ग में प्रवेश किया और
कानरदेव और वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए और कानरदेव की पत्नी जैतलदेव के नेतृत्व में सभी राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। इस प्रकार 1311 में जालोर दुर्ग का शाखा हुआ और उसके पश्चात जब वीरमदेव का कटा हुआ सर लेकर अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री के पास गया तब फिरोजा ने वीरमदेव का अंतिम संस्कार किया और उसने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।